And the latest news coming in from Dombivli, where there was a massive fire after an explosion in a chemical factory, is that Chief Minister Devendra Fadnavis has in fact reached the site. We are hearing from the Maharashtra Chief Minister. एक बहुत ही दुर्दैवी घटना में जिस प्रकार से विस्फोट हुआ और इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि उस कंपनी में, बाजू की कंपनी में और आसपास के घरों में भी लोग जख्मी हुए हैं, कई जगह कांच टूटे हैं, लोगों को काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें जख्म हुआ है। ऐसे सभी लोगों को अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में यहाँ पर लाया गया हुआ है। इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं अभी आया हूँ, बड़े पैमाने पर 24 पेशेंट्स अभी यहाँ पर एडमिटेड है, उसमें से कुछ आईसीयू में है, कुछ आईसीयू के बाहर है। हमारा प्रयास ये है कि पहले जो पेशेंट अभी जख्मी है उनको पूरी तरीके से हम मेडिकल एड दें, रिलीफ और मेडिकल एड, इसके ऊपर पूरा प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान अपना केंद्रित किया हुआ है। साथ ही में प्रशासन को हमने कहा है कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये विस्फोट हुआ है तो इसकी पूरी जांच की जाए, वो जांच भी की जाएगी, उसके कारण क्या है, उसको जिम्मेदार कौन है, इसकी भी जांच की जाएगी और जितने जख्मी हैं उन सभी को राज्य सरकार की ओर से सारी मेडिकल एड दी जाएगी। दुर्दैव से जिनका मृत्यु हुआ है उनको भी उचित प्रकार से उनके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास ये राज्य सरकार की ओर से किया कार्रवाई हुई। आज ब्लास्ट हुआ, मतलब पहले इतना वाइब्रेशन हुआ तो हम लोग को लगा नॉर्मल स्पोर्ट हुआ करके, कुछ गैस बीज कुछ फटा रहेगा, इतनी नॉर्मल स्पोर्ट हुआ। बाद में अचानक से इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ कि सब घर का, एटलीस्ट होटल भी है यहाँ पे एक, उसका तो पूरा इंटीरियर ख़राब हो गया। हम लोग के दोस्त का इधर दुकान भी है, उसका तो पूरा नया अभी इंटीरियर हुआ था। हम लोग के घर का डोर और बाद में टॉयलेट और वॉशरूम का सब डोर्स और अपना ये बोलते हैं ना विंडोज सब टूट गया, टूट गया। हाँ ओके, बाहर का विंडोज भी टूट गया। हमारे यहाँ पे बेबी सीटिंग है, मेरी मम्मी बेबी सीटर है, तो घर पे तीन बच्चे थे और हम लोग बाजू वाले के यहाँ पे बैठे थे और ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, घर हिल रहा था, नीचे से सब आदमी लोग भाग रहे। हम लोग चिल्ला के पूछ रहे कि एटलीस्ट बताओ क्या हुआ है करके, हम लोग को पता तो चले या घर में रुकना है या फिर घर से बाहर निकलना है या फिर क्या करना, क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम क्या है। 15 मिनट्स तो हो रहा था और ऊपर से आवाज भी आ रहा था ऐसा घटघट घटघट भूकंप के जैसा। अच्छा, और आवाज विस्फोट हुआ उसकी, एक्चुअली उस टाइम पे हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इतने पैनिक हुए थे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है ना कि ये जो रेसिडेंशियल एरिया के आसपास जो MIDC एरिया बना है ना, इसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई करे कि अभी ये हुआ है, ये हम लोग के लिए सबक है। एक्चुअली इसके ऊपर से सब पब्लिक ने, यहाँ पर जो रेसिडेंशियल है उन्होंने सबने उंगली उठाना चाहिए कि ये इधर से हिलना चाहिए करके, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों के पोल्यूशन होता रहता ना, ये जो केमिकल का जो धुआं आता है, हम लोग के घर पे स्मेल भी आता है धुआं का।